नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कल ये मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि कल हमारी गाड़ी इसका जो मैग्नाइट है इसका एक्सीडेंट हो गया था। अभी एक्सीडेंट जो हुआ था दोस्तों, किसकी गलती थी, क्या थी, वो मैं पूरा आपको डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि हम जा रहे थे जयपुर से अजमेर हाईवे पे। अब अजमेर हाईवे पे क्या है कि रोड का काम चल रहा है, तो वहाँ पे महिला बगरू के पास में एक डाइवर्जन था। अब वो डाइवर्जन ऐसा था कि पूरी रोड ब्लॉक करके सर्विस लेन पे गाड़ियों को डाल रहे थे। अब मैं रहा मतलब राइट वाली जो लेन होती थी, 6 लेन हाईवे, तो मैं थर्ड लेन राइट, बिल्कुल राइट में चला रहा था। तो वो जैसे डाइवर्जन हुआ तो जो गाड़ियाँ थी पीछे से ट्रक आ रहे थे, वो अब 3 लेन्स हैं तो वो एक ही लेन में एडजस्ट कैसे होंगी। तो उस तरह से मैंने क्या थोड़ा सा कोशिश की, आगे रुक ही नहीं रहे थे वो, तो मैंने थोड़ी सी लेफ्ट में कोशिश की डालने की गाड़ी उस लेन में, तो आगे से तो उस ट्रक वाले ने बचा ली, लेकिन वो पीछे वाला जो उसका हिस्सा था ट्रक का, वो मेरे बम्पर से लड़ा और वो पूरा उखाड़ दिया उसको, बम्पर को। आप जैसे कि तस्वीरें देख पा रहे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के कि कल तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं जा रहा था शादी अटेंड करने के लिए। और अब इसकी जो स्थिति थी आप तस्वीरों से देख पा रहे होंगे कि वो चलने लायक ही नहीं थी गाड़ी। तो भाई मेरे को तो ये था कि अब इस गाड़ी का कैसे क्या करें, इसको जयपुर लेके जाना पड़ेगा वापस से। तो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर एक मुझे मैकेनिक मिल गया। अब मैकेनिक ने क्या किया कि इसको जुगाड़ करके देखो अभी सेट कर दिया, यानी कि गाड़ी चलने लायक स्थिति में हो गई थी। ये देखिए पूरा जो बम्पर है पूरा उखाड़ दिया यहाँ से, देखिए ये यहाँ से टूट भी गया है, ये यहाँ से भी टूट गया है देखिए, मतलब और ये भी उधर गई, ये सारी अंदर से जो इसके लगी हुई थी सारी, ये पूरी क्लैडिंग बाहर आ गई थी, आपने देखा होगा। तो लेकिन वो चलने लायक स्थिति में नहीं था कि भाई इसको कैसे लेके जाऊँ मैं, तो बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब इसको क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो मिस्त्री मिल गया बेचारा, तो उसने कर दिया जुगाड़। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ वर्कशॉप पे, वर्कशॉप पे मेरी बात हुई है, तो क्योंकि मेरा इंश्योरेंस भी बाहर से कराया हुआ है, कंपनी से नहीं कराया, देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको, अब ये पूरा खोलेगा तो मैं वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूँगा कि क्या है क्या नहीं है इस गाड़ी में, कितने का खर्चा आएगा। क्योंकि बम्पर तो पूरा दिख ही रहा है और ये क्लैडिंग भी पूरी चेंज होने वाली है। देखिए ये अभी ये भी यहाँ से ब्रेक हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसके लॉक वगैरह सारे टूट गए थे और फेंडर में ये यहाँ पे डेंट आया है। तब क्या होगा, इसकी स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और फिर बताते हैं आपको आगे की कार्रवाई क्या रहती है। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी का रिपेयर हो चुका है कम्प्लीट, हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो अब ये देखिए बम्पर जो इधर से एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी, वो गाड़ी यहाँ से हुई थी, देखिए पूरा जो ये पार्ट था वो पूरा डैमेज हो गया था। अभी इसमें जो रिपेयर हुई है वो एक तो ये जो फेंडर है यहाँ से डैमेज था, इसको रिपेयर किया है, नया नहीं लगाया। ये जो क्लैडिंग है ये नहीं लगाई है, बम्पर ये पूरा नया लगाया और इस पर पेंट किया था। दोस्तों पेंट की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, देखिए मिसमैच नहीं है कहीं से भी, आप कैमरे में इसका पता जस्टिस हो रहा है नहीं, लेकिन पेंट जो है मिसमैच कहीं से भी नहीं है। दोस्तों ये पूरा एक्सपीरियंस जो था मेरा वो था 15 दिन का, गाड़ी को 22 फरवरी एक्सीडेंट हुआ था, तो 23 को गाड़ी दी थी और ये 6 या 7 मार्च को मेरे को वापस लौटाई थी। हालांकि जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, कि जो रोशन निशान है उसका एक और वर्कशॉप खुला था हमारे VKI में, तो वहाँ पर मैंने इसको इसको रिपेयर के लिए दिया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल ठीक नहीं रहा यहाँ पर इसको रिपेयर कराने का, क्योंकि ये बम्पर जो था ये भी रिपेयर करा था, बम्पर सॉरी ये जो बोनर था ये भी इसमें कुछ स्क्रैच थे, तो वो इन्होंने वो भी पेंट किया था। लेकिन जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, मतलब ये कैमरे में जस्टिस नहीं हो पाएगी, लेकिन जो अगर आप खुली आंखों से इसको देखोगे तो कहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ है। देखिए क्वालिटी, पेंट क्वालिटी जो है यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये कुछ स्पॉट्स इन्होंने छोड़ दिए थे, हालाँकि मैंने इनको शिकायत की तो दोबारा इन्होंने काम करके दिया मेरे को बोनट का, और ये जो फिट एंड फिनिश का कुछ इशूज़ थे, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी मतलब एक लेवल तक सर्टेनली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए बम्पर पे भी कुछ इन्होंने पेंट जो है वो ढंग से नहीं किया, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये रोशन निशान की कहानी नहीं है भैया, मैक्सिमम जो आजकल पता नहीं लोगों को पैसा भी पूरा चाहिए और काम भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं करके देना चाहते, ये एक ट्रेंड बन चुका है आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पता नहीं कितना पैसा कमाना चाहते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो और हालांकि एक्सपीरियंस जो था क्लेम का जो वो था, वो मैंने कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी से, इन लोगों ने ही, हालांकि कैशलेस नहीं था फिर भी इन लोगों ने ही पूरा कोऑर्डिनेट किया, उसके लिए बिग थम्स अप टू रोशन निशान, उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया और इसका अप्रूवल लिया। टोटल जो इसकी कॉस्ट आई है वही है 34,900 के करीब कुछ रुपए आए हैं इसके, इसमें बम्पर नया लगाया है, क्लैडिंग नहीं लगाई है, ये ग्रिल जो है वो भी चेंज हुई है,
ये पूरा जो बिल है मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो इस तरह से पूरा एक्सपीरियंस था मेरा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ इसमें एक्सप्लोर करूँ कि किस तरह से प्रोसेस रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लेम का, तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस ये बताना चाह रहा था कि गाड़ी रिपेयर हो चुकी है और इतना ज़्यादा इसमें डैमेज नहीं था, लेकिन जो बम्पर था पूरा उखड़ गया था, यहाँ से इस जगह से पूरा बम्पर उखड़ा था। हालांकि हेडलाइट जो थी वो इंटैक्ट थी, कोई भी इसमें लॉक वगैरह नहीं टूटे, तो ये हेडलाइट चेंज नहीं किए। केवल और केवल जो नई चीज़ लगी वो ये एक तो क्लैडिंग है, ये जो फेंडर है वो रिपेयर हुआ है, और ये जो बम्पर है वो जो हुआ है ये चेंज हुआ है और इसको रिपेयर नहीं किया गया, चेंज हो गया कलर नया किया गया, ग्रिल भी चेंज हुई है दोस्तों। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट को लेके। अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।